हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है UPSC की तरफ से। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा UPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के वेरियस प्रोसेस आपकी आगे बढ़ी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग ब्रांच की। तो उसी के क्रम में देखो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। देखो यार कुछ दिन पहले आपका देखो इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आउट हुआ था, वेरियस ब्रांचेस का रिजल्ट आउट हुआ था। इलेक्ट्रिकल का तो पहले ही आउट हो चुका था, CS का हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ था, वेरियस ब्रांच का आपका रिजल्ट आउट हुआ था। आज उसी के क्रम में देखो आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा था उन्होंने 25 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में सिविल इंजीनियरिंग का। जो सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट होंगे उन सभी लोगों को पता ही होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू हुआ है उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। जी हाँ, उसी रिजल्ट के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। यार 125 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। जिस किसी भाई बंधु का, जिस किसी भी बहन का सिलेक्शन हुआ हो यार कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर से बता देना, जिससे कि एक और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल सके कि भाई साहब आपका हो गया है। टोटल 125 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और 125 ही वैकेंसी थी, तो सबका सिलेक्शन हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। यहाँ पे देखो इस जगह पे आपका ये लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों रिजल्ट बहुत जल्दी आउट हो रहा है UPSC का, और जो रिमेनिंग ब्रांचेस भी बच गए उनका भी पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। और सब चीज़ प्रोसेस इतनी फास्ट हो रही है तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। चलो इस पर मैं क्लिक करके आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। और यार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस किसी का सिलेक्शन हुआ हो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 125 स्टूडेंट्स का टोटल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अपने बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक की बात करते हैं। देखो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी आपका आया है। देखो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सभी लोगों को पता ही होगा 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का। 25 से लेकर 30 तारीख 30 अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा था इन्होंने। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि 3 गुने से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था इन्होंने फॉर द इंटरव्यू पर्पज़। ठीक है, तो उसके बाद में अब फाइनल रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि टोटल 125 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसी के सापेक्ष अब नीचे इन्होंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है। देखो इन सभी की लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और जिस किसी भाई बंधु का हुआ हो सिलेक्शन, भाई साहब मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना मुझे, जिससे कि और भी स्टूडेंट हैं आप ही जैसे उन सबको मोटिवेशन मिल सके और उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उनकी भी क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो यार अब नीचे आओगे आप कमेंट बॉक्स में, इसमें सॉरी नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे लिख रखा है वेरियस स्टूडेंट्स का नाम, हरिंदर सिंह राजपूत, आयुष स्वेच्छ और हर्षजीत सिंह राजपूत, ये हर्षित सिंह राजपूत और अजीत श्रीवास्तव, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं। तो भाई साहब जिस किसी का भी हो गया फिर दोबारा से बोल रहा हूँ यार आप ज़रूर से कमेंट में मेरे को बताना कि किसका हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिस किसी का हो गया है। और भाई साहब बचे कुछ स्टूडेंट हैं इनसे पूछो कैसा आपका। देखो मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा जो रिमेनिंग स्टूडेंट का रह गए हैं इंटरव्यूज़ के लिए, और जिनका सिलेक्शन होना है उनको डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करके ले जाने, क्या क्या पूछ रहे हैं, कैसे कैसे फोकस करना चाहिए, आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में क्या मेरे को लेके आना चाहिए। अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो यार मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा आप सभी लोगों के लिए जो इन सिविल वाले कैंडिडेट्स में से, जिसके आपको मेंटेलिटी पता चल जाए कि कैसे एग्जामिनर्स की मेंटेलिटी है इंटरव्यूज़ के दौरान। ठीक है, आई थिंक आपको यार समझ में आ गई इन्फॉर्मेशन, मैंने सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार ऑथेंटिक प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों फिर दोबारा से बोल रहा हूँ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना किसी का सिलेक्शन हुआ हो तो। और भाई साहब अब तो आपका फाइनल सिलेक्शन है, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस अब तैयार रहो अपने ज्वाइनिंग वाले डेट की। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।